वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अ वेरी 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 न्यू व्लॉग, और तुम सभी का दिल से स्वागत है इस नए व्लॉग में। तो गाइज अभी हम बैठे हुए हैं, तुम जैसे देख पा रहे हो अपने गाड़ी के बैक सीट पे, और अभी हम हैं पूर्णिया में एक होटल के बाहर। जस्ट अभी कुछ देर पहले उठे हैं। तो गाइज एक्चुअली हम जा रहे हैं दार्जिलिंग। अब द थिंग इज़ कि 18 आवर्स का ड्राइव था, तो हम तो कर लेते लेकिन पापा मम्मी को बहुत टायर्ड लग रहा था, तो उन लोग को कहीं रुकना था और बारिश भी बहुत भयानक होने लगा। तो पापा मम्मी बोले यार नहीं कहीं स्टे कर जाते, और हम देखे कि नहीं बारिश भी बहुत भयानक हो रहा है तो रुक ही जाते हैं। तो अभी हम लोग स्टे किए पूर्णिया में। पूर्णिया हमको लगा नहीं था इतना बड़ा टाउन होगा, बहुत बड़ा टाउन है गाइज। हम घूमे पूर्णिया, मतलब उतना नहीं घूमे लेकिन मार्केट गए थे, कुछ बैटरी वगैरह खोजना था। एक्चुअली हाईवे से समझ में नहीं आता कितना बड़ा है टाउन, बट जब टाउन के अंदर गए ना गाइस, लिटरली यार बहुत बड़ा है पूर्णिया। आई थिंक इट्स जस्ट लाइक रांची। तो बहुत अच्छा लगा यार पूर्णिया घूम के। तो अभी एनीवेज गाइस, तो अभी यहाँ से प्लान है, अभी हम लोग जाएंगे सिलीगुड़ी। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अभी आने में जितना टाइम लगा उससे डबल लग जाएगा, बिकॉज़ कि वो पहाड़ी रास्ते से आते समय तो 100-110 में आ गए, बट पहाड़ में वो सीन ही नहीं है। 10-20 इतना भयानक शार्प्स होता है ना कि अगर थोड़ा स्पीड में एक टर्न लिए गाड़ी सीधा नीचे चला जाएगा, तो विच इज़ ए बिग इशू। बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ता है। मम्मी स्पेशली बहुत डर भी रही है कि यार तुम गाड़ी छोड़ दो यार, तुम इतना भयानक चलाता है गाड़ी, तुम एक ड्राइवर ही ले लो यार, वहाँ से सिलीगुड़ी से ड्राइवर मिलता है। तो हम बोले नहीं, गाड़ी तो तुम्हारा भाई चलाएगा, ऐसा थोड़ी होता है यार। होता है ना कि कोई चीज़ करने में किसी को बहुत अच्छा लगता है, जैसे किसी को गाने में बहुत अच्छा लगता है, किसी को डांस में बहुत अच्छा लगता है। सिमिलरली आई डोंट नो व्हाई ट्रैवलिंग विद माय कार, लंबा गाड़ी चला रहे जस्ट लव इट यार, बहुत अच्छा लगता है। हम गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम भी आ गई, कुछ प्रॉब्लम नहीं, एक ही प्रॉब्लम आ रहा, थ्रॉटल में प्रॉब्लम आ रहा था हल्का। आरती का सर्विस सेंटर भी गया, वहाँ तो कल नहीं हो पाया, सब बंद था। दो वहाँ पर जो मालिक थे वो देख के बोले कि ऐसा कुछ बिग इशू नहीं है, अगर दिखाना रहा करवाना रहा तो सिलीगुड़ी में एक वहाँ बहुत वो भी बड़ा टाउन है तो वहाँ पर हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक अभी करवाने का ज़रूरत है, अगर कोई इशू हो तो तब दिखला लेंगे। तो बाहर का माहौल बहुत सही है गाइस, बहुत सबको दिखाते हैं बाहर का सीन। देखो ये रहा होटल सिटी इन, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे 2-3 फैमिलीज और हैं, यहाँ पे सब ढाबा सब भरा हुआ है। और ये जस्ट नेशनल एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे दुकान है, उस साइड पेट्रोल पंप है, यहाँ पे जस्ट टोल है, जस्ट टोल कटवाओ और टोल कटवा के लेफ्ट साइड मुड़ जाओ, थोड़ा सा आगे लेफ्ट में ही है होटल। इट्स अ गुड होटल सिटी इन। धूप है नहीं अभी तक तो नहीं है यार, कल धुलवा के निकले देखो यार क्या हाल हो गया, साफ था यार यहाँ आने तक, पर अभी पानी गिर के देखो पूरा स्पॉट हो गया, गाड़ी गंदा हो गया यार, शिट। कुछ कोई नहीं, अभी सुने कि वहाँ पर भी बारिश ही हो रहा है 3 दिन से लगातार। कल एक भैया मिले, वो कहें कि बारिश हो रहा है कंटिन्यूस, तो देखते हैं जाके। अब ऐसा कुछ नज़ारा है ऊपर से पूरा पेट्रोल टोल, तो हम लोग रूम एकदम लास्ट वाला, ठंडा ठंडा कूल। कल तक नहीं था बट आज हो गया है, लकीली जगह ब्रेक ले लिए, ब्रेकफास्ट करना था होटल में नहीं किए, होटल का खाना उतना सही नहीं था तो हम लोग वहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं किया। अभी एक होटल में रुके, दिखाते हैं वो होटल है, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव यार। यहाँ बीच में देखो हाईवे के साइड में पापा और मम्मी, 2-7 रुपये वाला मैगी का मांग रहे हैं 70 रुपीज़। हम बोले भाई छोड़ दो, हम भूखा रहेंगे। फिर पनीर का दाम पूछे तो वो हमको थोड़ा रीज़नेबल लगा, 120 रुपये प्लेट, तो हाफ प्लेट बोला 70 रुपये लगे। बोले हाँ भाई ये ठीक है, तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं जल्दी से, और फिर अब कहीं नहीं रुकने वाले, सिलीगुड़ी में जाके रुकेंगे। अभी हम लोग हैं बिहार में, यहाँ से भी थोड़ा सा और जाएंगे तो डालखोला बोल के एक जगह, वो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, तो डालखोला में जाके पेट्रोल लेंगे। गाड़ी में पेट्रोल भी लेना है अभी तो यार, यहाँ से नहीं ले रहे, यहाँ बिहार में पेट्रोल बहुत एक्सपेंसिव है। हम झारखंड में देखे सबसे सस्ता है यार, झारखंड में हम पेट्रोल लिए 99.85, बिहार में है 109 रुपया लीटर गाइस, माई गॉड। और
वेस्ट बंगाल में थोड़ा सस्ता है, वेस्ट बंगाल में 106 रुपया लीटर, मतलब ज़्यादा नहीं 3 रुपया सस्ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग पार किए बागडोगरा एयरपोर्ट, और ये देखो पुलिस लाइन यहाँ पे है। व्यू बहुत सुंदर है गाइज़, और वेदर तो यार पूछो ही मत, सडन वेदर चेंज हो गया गाइज़। अब एकदम मतलब एसी का नीड ही नहीं पड़ रहा है, एसी हम बंद कर दिए, इतना देर अभी तक एसी चल रहा था। तो देखो गाइज़ यहाँ से पहाड़ी वाला एरिया अब स्टार्ट हो रहा है, हल्का हल्का इंक्लाइन है, हल्का हल्का नहीं अच्छा खासा इंक्लाइन है, वीडियो में उतना समझ में नहीं आ रहा। फाइनली यार 2.5 घंटे के बाद अभी हम लोग दार्जिलिंग ऑलमोस्ट घुस चुके हैं। देखो यार कॉटेज कितना सुंदर है, साइड से टॉय ट्रेन का लाइन, और अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स घूम। गाइस ये जो घूम है ना, घूम दार्जिलिंग का सबसे टॉप मोस्ट स्टेशन है। इसके बाद घूम के बाद और एक ही स्टेशन आता है, वो है टाइगर हिल बोलते हैं, बट वहाँ कॉटेज वॉटेज कुछ नहीं मिलता, वो जस्ट मतलब घूमने का पॉइंट है। सुबह सुबह जाओ, सनराइज और सनसेट देखो, शाम को वापस आ जाओ। नेक्स्ट स्टॉप अगर कहा जाए तो घूम, यही सबसे टॉप है। यहाँ पर अभी गाइज देखो दोपहर का 3 बज रहा है लिटरली गाइज, और फॉग देखो गाइज। यार प्लेन से माउंटेन में आने के बाद ना यार मानो जैसे दिल गार्डन गार्डन हो रहा है यार। फॉग देखो यार लिटरली गाइज अभी 3 बज रहा है यार, और वहाँ 3 बजे तो कोई निकलने का सोचेगा भी नहीं। पहुँच चुके हैं दार्जिलिंग, अभी ये घूम के पास देखो, घूम स्टेशन यहाँ पे है, और हम लोग को आगे कहीं जाना है। बारिश हो रहा है गाइज यहाँ पर, टेम्परेचर आई थिंक मतलब यहाँ पर 2-3 टेम्परेचर होगा। बड़ा देखो यहाँ जाम लग गया है, आर्मी का ट्रक है। ये घूम स्टेशन है गाइज, यहाँ फ्लैट वैट है रहने के लिए, या हम लोग का फ्लैट कहाँ पर हमको एग्जैक्टली नहीं पता, तो लोग आ रहे हैं। तो गाइज रूम ऐसा कुछ है, और ये रूम का अंदर 2 बेड है, किए और रूम का बाद बाहर का सीन भी दिखाते, रुको कुछ नहीं दिख रहा फिलहाल, तो लग रहा है वॉल है। देखो ये है वॉल, और ये है देखो सब पेड़, हमको भी जितना कैमरा में दिख रहा है बस उतना हमको भी दिख रहा है। विजिबिलिटी क्लियर ही नहीं है, विजिबिलिटी एकदम क्लियर नहीं है यार। गाइज यहाँ का घर सब देखो कैसा है यार, अभी हम बहुत थक गए हैं गाइज, हम जा रहे हैं गाड़ी से कुछ सामान लाना है। आज के लिए व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तुम सबको अभी और बहुत कुछ दिखाएंगे यार, सारा व्लॉग्स देखना, और होपफुली तुम सबको व्लॉग्स बहुत अच्छा लगेगा गाइज। कमेंट करना, घर सब देखो कितना सुंदर है गाइज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।